हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB की तरफ से जहाँ पे कल रिजल्ट आया था उसके बारे में पूरी डिटेल। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन दबा देना। नोटिफिकेशन का बहुत पंगा चल रहा है, पर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है बहुत बंदों पर। यहाँ पे देख लेते 13/6/2020 कल आया रिजल्ट का नोटिस। लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 का यहाँ पे है, ग्रुप 4 का सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अंडर पोस्ट कोड है 13/18, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी वगैरह इतनी थी। ऑनलाइन एग्जाम था 30/8/2019 का एग्जाम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के जो टोटल बच्चे यहाँ पे पास किए वो यहाँ पे 37 बच्चे पास किए हैं। ओबीसी के यहाँ पे गए 24 बच्चे, ठीक है। दो बच्चे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी था, फॉलोइंग टू कैंडिडेट आर प्रोविजनली सिलेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ जनरलनेस देर ओबीसी दिल्ली वगैरह। यहाँ पे देख सकते हैं उनका डिटेल भी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरी का 2-6 बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के भी 6 हैं, एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे आपके 4 बच्चे, ठीक है। फिर पीएच में ओएच में 4 है वगैरह वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे पेंडिंग में लिस्ट ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट इन यूआर कैटेगरी, दो दो बच्चे यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे इनका रिमार्क्स वगैरह इन्होंने दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी मेरिट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरिट देख लेते हैं। मेरिट गई है जनरल की 99.75। किसी को भी अगर अपने मार्क्स देखने तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। जनरल की 99.75, ओबीसी की 84.25, एससी की 95, एसटी की 60.5, और पीएच में हमारी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में जनरल की, ठीक है, 65.50, और एक्स सर्विसमैन यूआर के 73.50, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इनकी रिजल्ट। अगर हम इनका इसका एक और नोटिस है, रिजेक्शन नोटिस है, यहाँ पे इन्होंने रिजेक्शन नोटिस दे रखा है। बस क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। डिड नॉट अपलोड, मतलब इन्होंने अपने EDOS पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, यहाँ पे बस इन्होंने वो दे रखा है। जो बच्चे सिलेक्ट होने के बाद इन्हें यहाँ पे मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, इन्हें कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं दिया। हो सकता है वैसे दी भी जाए, नहीं भी कुछ कंफर्म नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पे वैसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। एससी वगैरह में इतने, एसटी वगैरह में इतने, तो यहाँ पे सारे बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो के रिगार्डिंग सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।